Hello students, myself Nilesh Plania, math faculty from CLC Sikar. Aaj hum CLC ke dwara ayojit cast Haryana CLC admission cum scholarship test ke paper ka video solution lete hain. First question, how many triangles are there in the following figure? Is figure mein hum log ek tricky method hota hai, ek manually method hota hai. Better rahega ki hum manually count kare. First triangle, second, third, fourth, fifth and sixth. Means, ये छह triangle तो हमारे particular हमें दिखाई दे रहे हैं. अब हम दो-दो figure को मिला के triangle बनाने की कोशिश करते हैं. One and two से नहीं बनेगा, two and three से triangle बनेगा, three and four से नहीं बनेगा, four and five से triangle बनेगा, five and six से नहीं बनेगा, six and one से triangle एक बनेगा, ये वाला triangle. अब हम तीन तीन फिगर को मिला के बनाते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला एक ट्रायंगल. दूसरा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला ट्रायंगल. नेक्स्ट है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. नेक्स्ट है फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ. नेक्स्ट है फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, मतलब पाँच नंबर, छः नंबर और एक नंबर, इनको मिला के. नेक्स्ट है सिक्स, वन, टू, सिक्स, वन, टू, ये वाला फिगर. एक बनेगा कंप्लीट फिगर इन सभी फिगरों को मिला के, बड़े वाला. तो टोटल छः तो ये थे, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन एंड वन, सिक्सटीन. तो टोटल ट्रायंगल कितने बने यहाँ से, सिक्सटीन. फाइंड द मिसिंग नंबर, फिफ्टीन, ट्वेंटी टू, थर्टी सिक्स, सिक्सटीन एंड नाइन. फिफ्टीन माइनस नाइन इक्वल्स टू सिक्स एंड ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन, 22 minus 16 equals to 6 and 6 into 6 equals to 36. In similar way, 13 minus 9 equals to 4 and 11 minus 7 equals to 4. Then 21 minus 13 equals to 8 and 15 minus x equals to some number. Multiple of these number equals to 64. Means here the multiple difference of that these number equals to 8. Then 15 minus x equals to 8. अब एक number तो हमारे पास जो option के according इस question को solve करेंगे, क्योंकि एक number तो 15 से less than भी हो सकता है, means 7. 7 plus 8 equals to 15. और एक number हो सकता है greater than 15. Option के अंदर less than 15 option नहीं है, means greater than value होगी. तो हमारे पास value रहेगा 15 minus x equals to 8, then minus x उधर चला जाएगा, 15 plus एक तो value minus वाली रहेगी x की, तो ये वाला value तो आ जाएगा 7 और एक रहेगा 23, तो option number is first. If the Friday is the first day of a non-leap year, what day would be the last day of the year? हमें पता है non-leap year के अंदर first day और last day का डे हमेशा सेम रहता है. तो फर्स्ट डे ऑफ द नॉन लीप ईयर इज अ फ्राइडे, मींस द लास्ट डे ऑफ द लीप नॉन लीप ईयर इज आल्सो फ्राइडे. डायरेक्शन, आउट ऑफ द फोर चॉइस गिव फॉर ईच क्वेश्चन, यू हैव टू सेलेक्ट वन दैट विल बी मेंटेन द रिलेशन ऑन द टू साइड ऑफ द साइन द सेम इफ इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर द क्वेश्चन मार्क. मैग्नेटाइटिस रिलेटेड टू ब्रेन, मीन्स सिमिलर वे सिरोसिस इज रिलेटेड टू लीवर. फाइंड द मिसिंग नंबर, टू, थ्री, टू, फिफ्टीन, क्वेश्चन मार्क, टू, फोर्टी फाइव. टू इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, टू इंटू वन, टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री. नेक्स्ट, थ्री इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, थ्री टू जै सिक्स माइनस फोर इक्वल्स टू अगेन टू. देन टू इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर, थ्री टू जै सिक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू फिफ्टीन. नेक्स्ट, फिफ्टीन इंटू फोर माइनस फोर स्क्वायर, फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू फोर्टी फोर. नेक्स्ट, फोर्टी फोर इंटू फाइव प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल्स टू टू फोर्टी फाइव. देन आवर आंसर इज फोर्टी फोर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट.
In the question, certain pair of the word are given, out of which the word in all pairs except one bear a certain common relationship. Choose the pair in which the word are differently related. Penguin, albatross, palanquin and ostrich. हमें पता है कि पेंगुइन, एल्बोट्रॉस और पैलेसिन ये वाली बर्ड हैं, वो वाटर से रिलेटेड हैं और ऑस्ट्रिच वाटर से रिलेटेड नहीं है. मींस अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑस्ट्रिच. हु अमंग द फॉलोइंग टुक ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र. उद्धव ठाकरे. नेम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया हु विल ज्वाइन नेवल ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी. लेफ्टिनेंट शिवांगनी इज द फर्स्ट वुमेन. Who among the following will be honored as Billboard's 2019 Women's of the Year? Billie Eilish is the woman that won the Billboard's 2019. Next question is, which of the following state has decided to declare Guru Ghasidas National Park as a tiger reserve? Dogri Chhattisgarh. Means our answer is a Chhattisgarh. Who among the following has occupied the top spot in the Fortune's Business Person of Year 2019 list? Satya Nadella. Who is the CEO of Amazon? Jeff Bezos is the CEO of Amazon. If request is written as S2R52TU, REQUEST is written as S2R52TU. यहां से हमें पता लग रहा है कॉन्सोनेंट है वो तो हो रहा है प्लस वन का सीरीज में प्लस वन एंड ई इज द सेकेंड वोवल ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज. नेक्स्ट क्यू इज द कॉन्सोनेंट मीन्स प्लस वन. यू इज द फिफ्थ वोवल. नेक्स्ट ई इज द सेकेंड वोवल एंड एस इज द कॉन्सोनेंट मीन्स प्लस वन एंड अगेन प्लस वन. तो हम लोगों ने यहाँ से एक सीरीज ले लिया कि जो भी हमारे पास एक वर्ड है उसके जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो तो प्लस वन का सीरीज फॉलो कर रहे हैं और जो वोवल है उसका वोवल प्लेस आ रहा है. तो सिमिलर वे में एसिड ACID ए इज द फर्स्ट वोवल. सी इज द कॉन्सोनेंट मतलब सी प्लस वन इक्वल्स टू डी. आई इज द AEIOU. ए इज फर्स्ट, ई सेकेंड, आई इज थर्ड वोवल and D is the consonant means plus 1 E. AD3E. A1D3E. We have the non option means option number 4th. Indicate which figure will best represent the relationship amongst the three. Manager, labor union and worker. Labor union of the workers means this part and manager is a another part means ऑप्शन नंबर फोर्थ. अ मैन वॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर ही वॉक 1 किलोमीटर. अ पर्सन अ मैन वॉक 1 किलोमीटर इन अ नॉर्थ डायरेक्शन. देन ही टर्न हिज राइट 45 डिग्री. देन ही टर्न 45 डिग्री राइट टर्न मीन्स इन दिस पर्सन एंड वॉक 2 किलोमीटर. अगेन ही टर्न टू हिज राइट और अगेन ही टर्न टू हिज राइट. हमें यहाँ डिग्री नहीं दिया हुआ तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसे हम 90 डिग्री टर्न करते हैं. तो यहाँ से 90 डिग्री राइट टर्न लिया मैंने तो ये वाला मेरे पास 90 डिग्री रहेगा. इसे मैं एज द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मीन्स 2 किलोमीटर और जैसे ही मैं इसे 2 किलोमीटर लेता हूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट के सामने रहेगा. तो ये वाला डिस्टेंस 2 किलोमीटर. नाउ find that he is how much far and in which direction from the initial point. Means हमें ये वाला distance calculate करना है, ये वाला. और हमें direction भी बताना है from starting, from initial point. तो initial point ये वाला था तो यहाँ से direction कौन सी हो जाएगी. ये वाला तो north है और ये वाला east. मतलब direction आ गई north east. अब जो distance है वो हमें ये वाली calculate करनी है. अब इस distance को calculate कैसे करेंगे मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूँ ये वाला पार्ट. अब मुझे पता है कि ये वाला एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस. लेकिन हमारे पास इस ट्रायंगल का बेस नहीं है
तो बेस कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्राइंगल को यूज कर लेंगे, और इस ट्राइंगल को यूज करेंगे तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो मैंने यूज किया इन ट्राइंगल बी सी डी यूज पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कौन सा है यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस अगेन बेस 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 8 इक्वल्स टू एच स्क्वायर मीन्स एच इक्वल्स टू 2√2। ये वाला वैल्यू कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये। अब हम लोग वैल्यू यूज कर लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी यूज पाइथागोरस अगेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू कितना है 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2√ स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, देन एच इक्वल्स टू 3 मीन्स दिस वैल्यू इज 3 किलोमीटर। तो वी हैव द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट 3 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर आंसर। एट वॉट टाइम बिटवीन 8 टू 9 ओ क्लॉक आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर मीन्स 180 डिग्री। जो क्वेश्चन लैंग्वेज है वो हमें ये कह रहा है कि 8 टू 9 ओ क्लॉक ऐसा कौन सा टाइम होगा उस समय जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। तो 180 डिग्री का हमारे पास फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, टाइम 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस 6। तो यहाँ से हमें पता है कि 180 डिग्री है वो एक घंटे के अंदर एक बार बनता है, तो हम वैल्यू आइदर प्लस 6 यूज करेंगे आइदर और माइनस 6 यूज करेंगे। अगर टाइम का वैल्यू 1 to 5 है तब तो हम यूज करते हैं प्लस 6, और अगर टाइम की वैल्यू मोर देन फाइव है देन वी यूज माइनस 6। यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू 8 to 9, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 to 9 में 8, 60/11 टाइम की वैल्यू 8। अब टाइम का वैल्यू 8 है मीन्स 8 इज 1 to 5 और मोर देन फाइव देन वी यूज माइनस 6, 8 minus 6 देन सॉल्व 8 60/11 8 minus 2 equals to 2, 8 16 into 2 120/11 then we have the value 8 10 10/11 is our answer option number second। In question 98 give a below consist of a statement followed by two arguments number first and second, you have to decide which of the argument is a strong argument and which is the weak argument, options hamare paas ye hain। Statement hame kya mil raha hai, should income tax be abolished in the India, हमें पता है कि इनकम टैक्स इज द गुड सोर्स या गुड सोर्सेस ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब आर्ग्यूमेंट हम इसे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है यस इट इज अ अननेसेसरी बर्डन ऑन द वेजेस अर्नर्स। हम लोग इनकम टैक्स को अननेसेसरी बर्डन नहीं कह सकते, तो इस अननेसेसरी बर्डन के टर्म के कारण ये वाला जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो वाला बेटर नहीं है, तो ये तो कैंसिल। नेक्स्ट है नो इट इज अ गुड सोर्सेस ऑफ रिन्यूवन। हमने जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ा था शुड इनकम टैक्स टू बी एबोलिश इंडिया, तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट अपना आर्ग्यूमेंट ही यही थॉट लिया था कि इनकम टैक्स इज द गुड सोर्स टू इनकम ऑफ द आवर गवर्नमेंट, दैट्स वाई सेकेंड इज अ गुड आर्ग्यूमेंट। तो आवर आंसर इज अ
only second. Option number second. Pointing to a woman in a photograph. Pointing to a woman in a photograph. Photograph kiska hai? Woman ka. In a photograph. A man says. A man says. Man keh raha hai. She is the only daughter of. She is the only daughter of my father's mother-in-law. जो फोटोग्राफ वाले जो वुमेन है वो कौन है? मेरे फादर. जो मैन है मेरे फादर की मदर इन लॉ. तो इसकी मदर इन लॉ कौन बनेगी? वाइफ्स मदर. इसकी डॉटर है. इसकी डॉटर मींस ये वाला जो पर्सन है. तो ये वाली जो वुमेन है वही तो फोटोग्राफ में है. अब अगर हम दोबारा इसे रिपीट करते हैं तो हमें क्या कहा है कि pointing to a photograph of woman, a man says, she is the only daughter. She is the only daughter of my father's mother-in-law. Then, how is the woman related to the man? How is the woman related to that man? That woman is the wife of his father, means his mother. So, woman is the mother of man. Option number second. Next question or last question. 2 years ago, a mother was 4 times as old as her son. 6 years from now, her age will become more than double her son's age by 10 years. What is the present ratio of their ages? Suppose, present age of son is X and present age of mother, her mother, his mother is Y. According to question, 2 years ago, 2 years ago means the age of son is X minus 2 and the age of mother is Y minus 2. 2 years ago, a mother was 4 times as old as her son. 4 times old means 4 times old than his son. अब हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं. तो 4x minus 8 equals to y minus 2. अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक साइड में लाते हैं तो वैल्यू रहती है 4x minus y और इससे minus 8 को उधर ले जाते हैं तो minus 2 plus plus का 8 plus का 6 ये वाला एक इक्वेशन हमारे पास रहता है. अब जो हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है 6 years from now. 6 years from now means the age of son is X plus 6 and the age of mother is Y plus 6. From her age will become more than the double. More than the double. Her son's age by 10 years. ये वाला एक equation बना. अब इसे हम solve करते हैं. तो ये वाला value रहा हमारे पास 2X plus 12 plus 10 equals to y plus 6. इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 2x ये वाला वैल्यू हमारे पास कितना रहता है 22 और उधर से माइनस y. अब 6 का वैल्यू ये और माइनस का 22 उधर चला गया तो 22 और 6 में जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 16 का. तो माइनस का 16 वैल्यू आ गया. अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ये वाला इक्वेशन मैंने ले लिया सेकंड. अब फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन वी यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फॉर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16. मैंने लेस किया माइनस माइनस ये वाला वैल्यू किस में हो गया पॉजिटिव. माइनस वाई एंड पॉजिटिव वाई दे आर कैंसिल. 4x minus 2 equal, 2x equals to 2x minus minus positive 16 plus 6 equals to 22 then x equals to 22 by 2 equals to 11 then the age of son is the present age of son is the age of son is 11 year present age and the age of her his mother is calculate करते हैं हम लोग किसी भी एक equation से. जैसे मैं इस equation का use कर लेता हूँ 4x minus y equals to 6. Then put the value of x in this equation.
4 into x ka value hai 11, 11 minus y equals to 6, then 44, then y equals to 6 minus 44, then minus y equals to 6 minus 44, 44 minus 6 equals to minus ka 38, minus 2 minus, cancel out, means the age of, present age of his mother is 38. अब हम क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस, मींस 11 रेशियो 38, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी चूज ऑप्शन नंबर सेकंड, 38 रेशियो 11. थैंक यू डियर.